तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आप सभी को इम्यूलेटर के बारे में तो पता ही होगा, जिसके अंदर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन और गेम्स को प्ले करते हैं और बहुत सारे लोग इसका यूज़ भी करते हैं। पर इन इम्यूलेटर्स के अंदर सबसे बड़ी खामी यह होती है कि इनके अंदर जो वर्जन यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुराने होते हैं। तो इस वीडियो में हम एक नए तरीके का इम्यूलेटर बनाएंगे जिसके अंदर हम एंड्रॉयड 8.1 का यूज़ करेंगे। तो दर्शक ही मेरे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं, जो भी मैं ट्यूटोरियल टाइप वीडियोस बनाता हूं उनके अंदर मैं कोई भी इंट्रो वगैरह नहीं लगाता, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी होती हैं और इनके अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल से आपको समझाता हूं कि कैसे आपको कोई चीज़ इंस्टॉल या फिर यूज़ करनी है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका रियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त लवप्रीत सिंह। तो इस इम्यूलेटर बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले चाहिए एक वर्चुअल बॉक्स, जो कि मैं इंस्टॉल कर चुका हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है। इसके अलावा आपको चाहिए होगी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की एक इमेज फाइल, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसे ओपन करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हमें एक न्यू वर्चुअल मशीन तैयार करनी है, तो हम न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कुछ भी इसको नाम दे देंगे, लेकिन उससे पहले हम सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिनक्स सिस्टम टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लिनक्स 2.64 बिट में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनमें से कुछ सेटिंग्स को मुझे दोबारा से चेंज करना पड़ा है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम इसका रैम मेमोरी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। बस इस बात को याद रखिएगा, जितने ही आपके पास रैम है उसका आधा ही आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपका सिस्टम लैग होने लगेगा। तो इसे हम नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें डिस्क सेटिंग को नहीं चढ़ना है, इसे हम नेक्स्ट जाएंगे। इससे आगे जाने के बाद हमें डिस्क टाइप पूछा जाएगा। डिस्क टाइप भी हम ऐसे ही रहने देंगे, कुछ भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर हमें मेमोरी साइज पूछा जा रहा है, तो हम इसे 8 GB पर ही रन करेंगे। और टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इन सेटिंग्स को बाद में भी बदला जा सकता है। तो अब हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्नल के अंदर कुछ सेटिंग्स आपको मिलती हैं। यहाँ पर अगर सिस्टम की बात करें, यहाँ पर हम चाहें तो रैम को फिर से इंक्रीज कर सकते हैं, किसी भी सेटिंग को फिर से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जब आप प्रोसेसर की सेटिंग के अंदर आएंगे, यहाँ पर एक VTX टेक्नोलॉजी जो हम इम्यूलेटर के अंदर ऑन करते हैं, यहाँ पर हाइट दिखाई देगी। तो हमें इसे भी ऑन करना है, लेकिन हम इसे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसे कैसे करना है। लेकिन इस वीडियो में आप प्रोसेसर की सेटिंग को ज़रूर इंक्रीज कर लीजिएगा। तो प्रोसेसर की सेटिंग को इंक्रीज करने के लिए आपको इस चीज़ को बढ़ाना है, तो इसे आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। मैं जहाँ पर 2 प्रोसेसर काउंट कर रहा हूँ। तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें वापस आ जाना है, ठीक है। और हाँ, इसके एक्सटेंडेड फीचर्स को चेक जरूर कर लीजिएगा। जहाँ पर इसका चेक मार्क नहीं लगा होगा, इसे चेक मार्क लगा दीजिएगा। इसके बाद हम वीडियो के अंदर आ जाते हैं, यानी कि डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर हमें वीडियो मेमोरी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जितना चाहे आप यहाँ पर कर सकते हैं, जितना आपके पास अवेलेबल होगी। इसके बाद हम आ जाएंगे ग्राफिक कंट्रोल्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपको VBox VGA पर करना है। इसके बाद आपको 3D एक्सेलरेशन को ऑन कर देना है। इसके बाद हम स्टोरेज के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपको एक एम्प्टी डिस्क नज़र आएगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ये वाली के ऊपर। और यहाँ पर आपको लाइव के अंदर चेक मार्क लगा देना है और इसके बाद ओके प्रेस कर देना है। तो हमारी सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट के बटन के ऊपर आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं फिर से कहना चाहूँगा, मैं वीडियो को ऑलरेडी छोटा कर चुका हूँ, इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो अब आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर साइड पर आपको एक फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके बाद आपको ये जो फोल्डर है ये खाली दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली अपने एंड्रॉयड इमेज फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। इमेज फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप ओपन के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको आपकी फाइल दिखाई देगी। इसके बाद वो फाइल इस लिस्ट में आ जाएगी। इस लिस्ट के अंदर वो फाइल को आप सेलेक्ट कीजिए और उसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपकी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी और स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो अब हमारा सिस्टम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हमें कुछ इंस्टॉलेशन के स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे ज़्यादा आसान वाला स्टेप बताने वाला हूँ,
तो आपको एडवांस के अंदर आ जाना है नीचे। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन का एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर पूरी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली। इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे एक लास्ट कंफर्मेशन मांगी जाएगी, यहाँ पर आप सिंपली यस कर दीजिए। याद रखिएगा यहाँ पर माउस काम नहीं आएगा, तो आपको कीबोर्ड से ही यस करना होगा। तो एरो की मदद से आप यस पर चले जाएं या फिर वाई टाइप कर दें। तो वाई टाइप करते ही हमारी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो थोड़ा समय वेट कर लीजिएगा, आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और ये पूरी प्रोसेसिंग खुद ब खुद होगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आप सिस्टम को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर रिबूट करना चाहते हैं, तो सिंपली स्टार्ट के ऊपर ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आपके पास एक ऐसी ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट में मुझे कुछ सेटिंग्स को चेंज करना पड़ा था, तो सबसे पहले हम इस ब्लैक डिस्प्ले को क्लोज कर देंगे, उसके बाद स्टार्ट के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। इसके बाद जब हमारा फिर से ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद आपको ऊपर डिवाइसेस के अंदर आ जाना है। डिवाइसेस के अंदर आपको ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर आकर यहाँ पर हार्ड ड्राइव डी के ऊपर चेक मार्क लगा देना है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और चेक मार्क इसके ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आपको सीधा इसे क्लोज कर देना है, उसके बाद फिर से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं हमारा फिर से वो सिस्टम है जो स्टार्ट हो चुका है, और हमारा जो एंड्रॉयड सिस्टम हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया था वो इसने डिटेक्ट कर लिया है। लेकिन दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद भी हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो इसको ठीक करने के लिए मैंने एक सेटिंग को और चेंज किया है, तो उसे भी ध्यान से देखिएगा। तो ब्लैक स्क्रीन को फिर से क्लोज करने के बाद हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले नंबर पर जर्नल के अंदर आपको बेसिक का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमें टाइप ऑप्शन को अदर कर देना है और इसके अलावा और वर्जन को भी अदर 64 बिट पर स्विच कर दीजिए। उसके बाद ओके प्रेस कीजिए और इस बार आपका जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। दोस्तों सिंपली स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके बाद आपको कोई भी सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिंपली आपका सिस्टम बूट हो जाएगा और सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर एंड्रॉयड का लोगो आ रहा है, हमारा सिस्टम बूट अप हो चुका है। कुछ मिनट तक आपको ये एंड्रॉयड का लोगो ऐसे ही दिखाई देगा, उसके बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो देखा आपने कितना सिंपल है अपना इम्यूलेटर इंस्टॉल करना। तो दोस्तों आगे मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊँगा जिसके जरिए हम इस इम्यूलेटर को काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस तक कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी सेटिंग्स अभी बतानी बाकी है। तो दोस्तों अभी इसके अंदर जो मेरा माउस काम नहीं कर रहा था, जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डर चला रहा था तो मेरा माउस स्क्रीन रिकॉर्डर कैच कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा माउस इस इम्यूलेटर के अंदर अच्छे से काम कर नहीं रहा था। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अंदर कैसे फाइल्स को ऐड कर सकते हैं अपने सिस्टम में से, और इसके अलावा इसकी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। गुड बाय।